राम 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 आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ चल 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 आया 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 चल जल्दी चल जल्दी चल। अबे नन्नू अबे यहाँ यहाँ कल कहाँ था? अरे बड़ा नेता बना फिरता है, मजदूरों के हक की बात करता है। कभी तूने ये सोचा है कि एक दिन एक मजदूर के मिल में नहीं आने से कितना बड़ा नुकसान होता है? गुस्सा मत करो मुनीम जी, कल मेरी बेटी कृष्णा के ससुराल वाले उसे देखने के लिए आए थे, इस वजह से नहीं आ सका। मगर जो मेरी वजह से काम रुका है वो मैं पूरा करके तब जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। अरे बच्चे पैदा कर लिए, ये भी सोचा है कि उनकी शादी ब्याह करना है। चल आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। कन्नू कल तेरा माल भी पूरा नहीं हुआ है? कल आदमी सेठ जी से कह के तेरी छुट्टी। नहीं मुनीम जी ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या था मुनीम जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल ले गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा और आपका माल पूरा कर दूंगा। चल चल आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। अबे तू भी काफी दिनों से नहीं आ रहा। अरे मिल को अपने बात की में समझ रखा है तूने क्या है? तेरा नाम काट दिया मैंने, तेरा नाम काट दिया। चल तू जा, चल के बच्चे खिला, चल। राम राम मुनीम जी। राम राम बिरजू। तू भी बड़ा सो रहा है? नहीं नहीं जगो हैं। चल सुनो भाई, किसी को भी मिल से बाहर मत जाने देना और घड़ी पर मत जाना, समझ गए? हाँ। वे ला रजिस्टर। ये भी काट ये भी काट। सारे मजदूरों की हाजियां कट, जितना इन जानवरों को दबा के रखोगे उतना ये ठीक रहेंगे। मैं 20 साल से इस मिल में काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी की पूरी तनख्वाह नहीं दी। खून चूस चूस कर करोड़ी मल मिल बनाया है, मैंने सेठ जी का नमक खाया है गुड़ नहीं। खराब है छोटू के बेटे की, बेचारे पे तरस आता है। अरे तरस तो उसकी बीवी पर आता है, बेचारी बच्चे के लिए कितना परेशान रहती है। अरे शुक्र कर, हमें पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी मिल जाती है, वरना तो हमारी किस्मत डॉक्टर दवा दारू कहाँ। हाँ आप ठीक कहती हैं, अगर बच्चा बच भी गया तो कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा, हमारे बच्चों की तरह रास्ते में धक्के ही खाएगा। तुम तीनों यहाँ कहाँ टहल रही हो? टहल नहीं रहा मुनीम जी, माल लेने जा रहे हैं। ये माल लेने जा रहे हैं, बढ़ के बोलती है, ज्यादा बोलती है। चलो तीनों अंदर। आइए आइए आइए। कहिए मुनीम जी, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? जी हुजूर सब ठीक चल रहा है। मुनीम जी को दिक्कत तो नहीं? नहीं सनी बाबा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो मुनीम जी तो बताइए, एक एक को ठीक कर दूंगा। अरे हुजूर आपके होते हुए किसी की मजाल है कि इस मिल में ऊंची सांस भी ले सके? देखिए हुजूर, मैंने सबको काम पे लगाया हुआ है और ये माल लोड हो गया। आइए आप भी आइए। राम राम सेठ जी। राम राम बिरजू, सब ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक है, लगा के काम करो। शाबाश मुनीम जी। चलो मुनीम जी चल, काम कर काम, देख क्या रहा है, कुछ खा कर आया कर। चल
काम कर। दारू की पूरी की पूरी बोतल पी जाते हो तो सर काम करने में दम निकलता है। दारू के पैसे किसके पास बचते हैं? दो वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है। जबान जला रहा मुझसे, जबान जला रहा, काम कर। ओ भाई नन्नू, सब ठीक है ना? जी सर जी, पिछले 30 साल से तो मन लगा के काम कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बूढ़ी हड्डियाँ काम नहीं देती। अगर आपकी थोड़ी मेहरबानी हो जाती, कुछ पैसे मिल जाते तो अपना इलाज करवा लेता। अरे ताकत की गोलियाँ खा के बुढ़ापे में क्या दारा सिंह से कुश्ती लड़ेगा? तुझे रोटी तो पेट भर के मिल रही है ना। अरे ये भी सेठ जी की मेहरबानी समझ के भीख नहीं मांगनी पड़ती। सेठ जी आप चलिए, ये तो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे। नमस्कार सनी बाबा। शक्ति सेठ जी प्रणाम। आओ आओ मुनीम जी आओ। हुजूर ये लीजिए, पन्ना नंबर 107। हुजूर ये पिछले सप्ताह का हिसाब है और ये इस सप्ताह का हिसाब है जी, और इस तरह से ये दोनों सप्ताह को मिला के ये हमारा मुनाफा है। ठीक है। तो अगर सरकार हुक्म करे तो मैं गरीबों में टुकड़े बांट दूं। बाकी बात कर रहे हो? हाँ भाई वो तो देनी है, दे दो। एक बात और हुजूर, पहले की तरह इनके पिछले हिसाब पे भी कलम फेर दूं? अरे हाँ फेर दो, आप तो खुद समझदार हो। देखो हिसाब किताब ठीक से करना, कहीं चेकिंग वेकिंग ना हो जाए। ना ना सरकार, वो आप मेरे पर छोड़ दीजिए। अरे हुजूर मैंने आपका नमक खाया है, कोई गुण नहीं। सरकार ये तू भी पकड़, 200 रुपए 100 100 200। चल आगे बढ़। अरे 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 कल्लू, आ जा ला ला ला, जल्दी ला जल्दी ला। नमस्कार नमस्कार। अरे कल्लू मेरे कल्लू, ले नाम कल्लू है तेरा, है रंगोरा तेरा, ले भाई। चल 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 चल। हेलो, अरे रंजना कैसी हो? डोंट वरी बेटा, मैं अभी भिजवाता हूँ। हाँ बेटा सनी ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। बाय बेटा। मुनीम जी। जी हुजूर। हमारी लाडली बेटी को 10,000 का भिजवा दो। अरे पगली हो गई है, सेठों की बेटी होकर लेबर लॉ डिप्लोमा करने की धुन सवार है उस पर। डैडी कर लेने तो हमें क्या, कौन सा हमारी मिल में हड़ताल करवा देगी? बुरा मत मानना हुजूर, कि छोटा मुंह और बड़ी बात, अगर हड़ताल करवा भी देगी तो ये अनपढ़ मजदूर हमारा क्या कर लेंगे? हुजूर मैंने आपका नमक खाया, गुड़ नहीं। डैडी मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए। पुनीम जी से जाके ले लो भाई, तुम भी तो मिलके मालिक हो। चाय शक्ति, एंजॉय करेंगे। बाय कल। I'm sorry सर, मेरी फीस लेट हो गई। सर मैंने घर में खत लिख दिया है, पैसे आते ही मैं फीस भर दूंगा। देखो राजा, तुम पढ़ाई में बहुत होशियार, इसलिए आज तक हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अगर इसी हफ्ते तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो तुम परीक्षा में नहीं बैठ सकोगे और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नहीं सर, सर ऐसे मत कहिए प्लीज। सर मैं पैसे आते ही पे कर दूंगा सर। हाँ सर मैं पे कर दूंगा प्लीज सर। ओके ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते मैडम। देखो राजा, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और ना ही मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी फीस तो भर सकती हूँ ना।
राजा मैं तुम्हें दान थोड़े ही दे रही हूँ। अरे बाबा जब तुम्हारे घर से पैसे आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना, राइट? राजा अगर तुम्हारा साल वेस्ट चला गया ना तो इस बात की दोषी मैं अपने आप को ही मानूंगी। भवानी अगर तुम्हारे जैसे ऊंचे विचार वाली लड़की शहर में आ जाए तो इस शहर का कोई भी लड़का कोई भी इंसान अनपढ़ नहीं रहेगा, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे। तुम्हें तो साक्षरता अभियान की प्रेजिडेंट होना चाहिए। बस 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 राजा, तारीफों के पुल बांधना तो कोई आप ही से सीखे। वैसे राजा तुम हो इतने लायक कि सामने वाले को बैठे बिठाए आसमान पर चढ़ा देते हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और पहली बार तुमसे बातें की थी उसी वक्त मुझे लगा था कि तुम बहुत ही काबिल इंसान हो। और देखना राजा, तुम्हारी ये लियाकत ही एक दिन इस समाज में तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगी। फिर आप हमें पहचानना या ना पहचानना, मगर हम तो आपको ढूंढने निकालेंगे। एनीवे, अच्छा राजा एग्जाम के बाद क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं यहाँ से सीधे अपने घर जाऊंगा, वहां पर जाकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा और अपनी छोटी बहन कृष्णा का बड़ी धूमधाम से ब्याह करूंगा। ये तो बहुत अच्छी विचार है। अच्छा एक बात, हाँ आज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आज कुछ खास नहीं, खाली हूँ। तो फिर ठीक है, मेरे घर चलो, घर पे चल के हम लोग खाना भी खाएंगे और मेरे मम्मी डैडी से भी मिल लेना। ठीक है, मैं ये फीस जमा करके आऊं। हाँ, मैं वेट करती हूँ। हाँ आओ राजा, ये है मेरा घर। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा। लो मम्मी डैडी तो बाहर ही बैठे हैं। मम्मी डैडी, ये राजा मेरे कॉलेज में। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। बैठो राजा। तुम्हारा नाम तो मैं कई बार भवानी मूर्ति मुंह से सुन चुकी। काफी फेमस हो कॉलेज में। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, बस भवानी ऐसे ही। मैं नहीं रहूंगी। अरे अरे बच्चे इधर आओ, इधर इधर। आंटी देखिए मैं कल चले के पास गई, मैंने नहीं लिया। अच्छा पहले अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते बेटा। राजा ये बबली है और ये बबलू। ये मेरे भाई के बच्चे। बेटा पढ़ाई भी करते हो या खेलते रहते हो सारा दिन? खेलते हैं। पढ़ाई करनी चाहिए आपको। अच्छा जाओ बच्चे जाओ खेलो खेलो। हाँ और झगड़ा मत करना। बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ। राजा इनका खेलना कूदना भी बंद हो सकता है और ये पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें राजा जैसा स्ट्रिक्ट ट्यूटर मिलना बहुत जरूरी है। क्यों मम्मी, क्यों दादी? हाँ ठीक है, अगर राजा के ट्यूशन पढ़ाने से इनका ये कंचियों का खेल बंद हो सकता है तो हमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है अंकल, आप जैसा कहें जब कहें मैं इनको पढ़ाने आ जाऊंगा। मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर
तुझे शहर भेज रहा हूँ। मैं कुछ भी करूँगा, मेहनत मजदूरी करके तुझे पैसे भेजता रहूँगा। लेकिन बेटी तुम वैसे ही मत आना, पढ़ लिख करके आना। हाँ बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं शहर से पढ़कर ही लौटूंगा। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। राजा के बाबा, राजा का दोस्त मुझे आकर सुबह सारी बात बता गया, सो मैंने तुम्हें बता दी। अगर राजा की फीस जमा नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाबा, अब क्या होगा? क्या भैया की पढ़ाई पूरी नहीं होगी? चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, रो मत। तेरा बाबा अभी जिंदा है, मरा नहीं। तू फिक्र मत कर माया, मैं कल ही मिल में जाकर सेठ जी को सारी बात समझा दूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ राजा के बाबा, कृष्णा की शादी के जो जेवर रखे हैं उन्हें ही बेच देते हैं। हाँ बाबा, माँ ठीक ही तो कह रही, मेरी शादी कोई भैया की जिंदगी से ज्यादा तो नहीं। नहीं बेटे, जो जेवर तेरी शादी के लिए बने हैं वो तू ही पहनेगी। मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन कन्यादान से पहले जेवरों को हाथ नहीं लगाऊंगा। सेठ जी, पिछले 30 सालों से इन्हीं हाथों से मैं आपकी खिदमत करता आ रहा हूं। आज मेरे बेटे का कॉलेज में आखिरी साल है, अगर वक्त पर फीस नहीं पहुंचाई तो उसका नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सेठ जी, फिर मैं जीकर क्या करूंगा? आप चाहे मेरा पिछला हिसाब ना दे, कम से कम मुझे इतना दे दीजिए कि मैं उसकी फीस अदा कर सकूं। सेठ जी, 30 सालों से तूने खिदमत करके बिल पर और सेठ जी पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये जीने और 30 सालों तक तेरा और तेरे परिवार का पेट भरा है। हाँ, अरे अभी तूने भूख से मरते हुए भूखे नहीं देखे हैं, इसलिए तुझे पढ़ाई लिखाई सूझ रही है। हाँ, अरे मुझे ये बता कि तुझे रोटी लग रही है, इसलिए तुझे बड़ी बड़ी बातें सूझ रही है। अरे नन्नू के बच्चे, क्या अपने लाडले को पढ़वा के इस देश का प्रधानमंत्री बनवाएगा या इस मिल पर राज करवाएगा? अरे मुनीम जी, कौन राज करेगा और कौन कराएगा ये तो ऊपर वाला जानता है। आज हमारे भाई बाप आप हैं सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। ठीक है ठीक है, कल तू और तेरा बेटा पढ़ लिख के हमारे माई बाप बन जाना और इस करोड़ी मल मिल पे राज करना, मगर इस वक्त तू जा। चल 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 चल, चल। अरे चल जाके काम कर। आया बड़ा वहां से। सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया, गुड़ नहीं। मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर तुझे शहर भेज रहा हूँ। मैं कुछ भी करूंगा, मेहनत मजदूरी करके तुझे पैसे भेजता रहूंगा। अगर राजा की फीस जमा नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ राजा के बाबा, कृष्णा की शादी के जो जेवर रखे हैं उन्हें ही बेच देते हैं। 30 साल से तूने इस मिल की और सेठ जी की खिदमत करके कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि सेठ जी ने और इस मिल ने तेरा और तेरे परिवार का पेट पाला है 30 साल तक।
की शादी के जो जेवर रखे हैं उन्हें ही बेच देते हैं। ये एक साल मेरी। अरे क्या चाल डाली है सेठ जी। क्या हुआ नन्नू साहब? मशीन मार गया सेठ जी। क्या? अरे आप बैठिए सेठ जी, ऐसे हादसे तो मिलते होते ही रहते हैं। अरे मुनीम जी उसे हॉस्पिटल तो लेके जाओ। माफ करना हुजूर, उसका कौन सा ESI का कार्ड बना हुआ है? मैं उसका इलाज ऐसी करवा दूंगा। सरकार मैंने आपका नमक खाया है, गुड़ नहीं। रजिस्टर चल भाई चल। हटो हटो हटो, क्या हो रहा है? क्या भीड़ लगा रखी है? क्या तमाशा है? अरे मुनीम जी ये तमाशा नहीं है, नन्नू भैया की जिंदगी का सवाल है। इन्हें आप अच्छे अस्पताल में ले चलिए, हम सब लोग भी साथ चलेंगे। अरे इसका बाजू तो मशीन में आया है, कोई गोली तो नहीं लग गई, कोई बम तो नहीं फट गया है? चलो 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 पैसे इलाज करा लो। 100 रुपए क्या इन पैसों से इलाज हो जाएगा नन्नू भैया का? तो फिर क्या सारा करोड़ ही मंदिर इसके नाम करवा दू? अरे चलो लेके अरे मैंने सेठ जी का नमक खाया है, गुड़ नहीं। भाई 2 कौड़ी के मजदूर के इलाज के लिए मैं विलायत लेके जाऊं? नहीं। अरे राजा के बाबा कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? कितना खून बह रहा है? अरे अरे कोई जाओ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। भैया भैया तू भी बताओ ना क्या हुआ? भैया का मशीन में आ गया लेकिन अब प्रॉब्लम। पट्टी कर दी है, ये 2 गोलियां तुम्हें 3 बार देना, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे थोड़ी चोट लगी है, हाथ कट तो नहीं गया। जाओ जल्दी जाओ, मेरे दिमाग मत खाओ। घबरा मत, कुछ नहीं होगा ना, डॉक्टर साहब ने पट्टी कर दी है, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड किसी तरह एग्जाम कंप्लीट हुए, छुटकारा मिला। बाप रे मुझे तो बहुत डर लगता है राजा। अच्छा एक बात बताओ, रिजल्ट निकलने के बाद क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, क्या करोगे? भवानी सच पूछो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहूंगा। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं एग्जाम कैसे देता, और फिर इतनी जल्दी घर जाकर करूंगा क्या? सोचता हूँ रिजल्ट आने तक यहीं रुकूं, इस शहर में रुककर कुछ काम करूं, कुछ पैसे कमाऊं, फिर घर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती राजा। क्योंकि जानती हो भवानी, मेरे घर में मेरे माँ बाबा के साथ मेरी छोटी बहन कृष्णा भी है जिसकी शादी भी करनी है,
अब खाली हाथ घर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप की मैं उम्मीद हूँ। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ शहर में कुछ बच्चों की ट्यूशन दिला देती हूँ। मेरे यहाँ कुछ जान पहचान भी है और मेरे अंकल हैं जिनके पास कुछ रूम खाली पड़े हुए हैं। तुम्हारा रहने का इंतजाम भी वहाँ हो जाएगा और तुम वहाँ बच्चों को भी पढ़ा दिया करना। जितना मुझसे हो सकेगा राजा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगर तुम कहो तो मैं आज ही अंकल से बात कर लेती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बात करो ना उनसे। हाँ मैं करती हूँ।